तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉइन स्विच कुबेर एप्लीकेशन के बारे में। तो देन गाइस, पूरी डिटेल में बताने वाले हैं कि कॉइन स्विच कुबेर एप्लीकेशन क्या है और आप जो है कॉइन स्विच कुबेर एप्लीकेशन में अगर आप जो अपना अकाउंट बनाना चाहते होंगे तो कैसे बनाएंगे। तो देन गाइस, चलिए बात कर लेते हैं कि कॉइन स्विच कुबेर एप्लीकेशन है क्या और आप जो है इसका कैसे यूज कर सकते हैं। सो गाइस, कॉइन स्विच कुबेर एप्लीकेशन जो है आपको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहाँ पे जो है आप जो है कॉइन स्विच कुबेर एप्लीकेशन में जो है आप जो क्रिप्टो करेंसी को जो है बाई और सेल आउट कर सकते हैं। और इसमें इसका एक और खास फीचर है, आप जो है इस एप्लीकेशन में जो है रेफर एंड अर्न करके रेफर करके भी यहाँ पे जो है अच्छी खासी इनकम इस एप्लीकेशन से जनरेट कर सकते हैं। तो सो गाइस, पूरी डिटेल में बताने वाला हूं कि आप जो है कॉइन स्विच कुबेर एप्लीकेशन में जो है अपना कैसे अकाउंट बनाइएगा, कैसे आप इस एप्लीकेशन में KYC अपना डन कीजिएगा। देन उसके बाद सेकेंड नंबर पर हम लोग बात कर रहे हैं कि आप जो है इस एप्लीकेशन में रेफर कैसे करिएगा, रेफर करके अर्न कैसे करिएगा और आपको जो है ये एप्लीकेशन एक रेफर का कितना रुपया देता है। देन इसके बाद लास्ट हम लोग थर्ड नंबर पर बात कर रहे हैं कि आप जो है इस एप्लीकेशन में जो है फंड ऐड करके जो है क्रिप्टो करेंसी जो है बाई और सेल आउट कैसे करिएगा। तो गाइस, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और इससे पहले मैं एक बात और बता दूँ कि अगर आपको जो है कॉइन स्विच कुबेर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा तो कॉइन स्विच कुबेर एप्लीकेशन का ऑफिशियल लिंक आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप जो है वहाँ से जो है कॉइन स्विच कुबेर एप्लीकेशन का डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करिएगा तो वहाँ पर आपको कुछ कैशबैक वगैरह भी मिल जाएगा कॉइन स्विच कुबेर, अगर डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड करिएगा और कमेंट बॉक्स के लिंक से डाउनलोड करिएगा। तो गाइस, चलिए अब चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर, जान लेते हैं कि आप जो इस एप्लीकेशन में कैसे अकाउंट बनाइएगा, कैसे KYC रन करिएगा, कैसे रेफर रन करिएगा और कैसे जो है आप जो इसमें क्रिप्टो करेंसी बाई और सेल आउट करिएगा। एक बात फिर से बता दूँ, क्रिप्टो करेंसी मीन्स आपको यहाँ पे हो जाता है बिटकॉइन, इथेरियम या डॉज कॉइन वगैरह, बहुत यही सब क्रिप्टो करेंसी होती है। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और जान लेते हैं कि आप जो है कॉइन स्विच कुबेर एप्लीकेशन में कैसे अकाउंट वगैरह बनाइए, कैसे रेफर रन करिएगा और कैसे जो है आप जो है इसमें क्रिप्टो करेंसी बाई और सेल आउट करिएगा। और इससे पहले आप जो चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब के लिए वीडियो को सो गाइस, अभी जो है हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। अब चलिए जान लेते हैं कि आप जो है कॉइन स्विच कुबेर एप्लीकेशन में जो है अपना अकाउंट कैसे बनाइएगा और देन उसके बाद जो है गाइस आप अपने अकाउंट कैसे वेरीफाई करिएगा, कैसे उसमें आप अपना बैंक अकाउंट नंबर ऐड करिएगा, उसके बाद कैसे आप जो उसमें रेफर रन करिएगा और कैसे जो आप उसमें क्रिप्टो करेंसी बाई सेल कर सकते। तो पूरी डिटेल हर चीज़ आपको बताने वाला हूँ, पूरी डिटेल में बताना हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और वीडियो हो सकेगी तो थोड़ा लंबी हो जाएगी कि वीडियो का अंत तक जरूर दिखेगा। तो वह सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको जो है कॉइन स्विच कुबेर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए आपको जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको कुछ इस टाइप का जो है लिंक दिखाई देगा, तो सिंपली जो है आपको इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करिएगा तो आप जो है रीडायरेक्ट हो जाइएगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा, तो सिंपली आपको जो यहाँ पर जो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है जो कि कॉइन स्विच कुबेर नाम से एप्लीकेशन होगा, कॉइन स्विच के नाम से होगा। तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और यहाँ पर जो है हमारे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो देन गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, तो सिंपली हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर जो कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा, इसका कॉइन स्विच कुबेर लिख के आएगा, तो सिंपली अभी जो है हमारा एप्लीकेशन जो है ओपन हो रहा है तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, हम देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ आपको इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पे जो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डाला होगा, जिस भी मोबाइल नंबर से अपना कॉइन स्विच कुबेर के अकाउंट बनाना चाहते हैं तो सिंपली जो हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको इस एयर वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है इस पर। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर डाले होंगे उस पर एक OTP आएगा, तो OTP सिंपली आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो हमारा गाइस यहाँ पर जो है OTP आ चुका है तो हम यहाँ पर अपना OTP डाल लेते हैं। OTP डालने के बाद गाइस आपको इस एरो वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। एरो वाले आइकन पर क्लिक करिएगा तो गाइस यहाँ पे जो है आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा। तो अभी जो है हमारे यहाँ पे बोलेगा प्लीज सेट अ पिन, तो यहाँ पे जो आपको एक अपना पिन डाल लेना है, जिस भी मतलब इस पिन से होगा क्या कि आप जब भी अपना कॉइन स्विच कुबेर एप्लीकेशन खोलिएगा तो यहाँ पे जो आपको 4 डिजिट का पिन मांगेगा।
तो हम यहाँ पे अपना पिन सेट कर लेते हैं और फिर बोलेगा कन्फर्म पिन, तो यहाँ पे कन्फर्म कर लीजिएगा, दोबारा दो बार डालिएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो आपको कुछ इस टाइप का जो एप्लीकेशन यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो सो गाइस एक बात और बता दो कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अगर आप डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे जो आपको 50 रुपया तक या 100 रुपया तक जो है आपको यहाँ पे बिटकॉइन मिल सकता है। तो एक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ही आप जो है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हमको 49 रुपया मिल चुका है। तो अभी जो है हम यहाँ पे जो अपने बिटकॉइन के ऐप में यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। अब सबसे पहले इसको करना क्या होगा कि यहाँ पे जो आपको अपने प्रोफाइल को वेरीफाई करना होगा। प्रोफाइल वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है जैसे इस प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में जो आपके राइट साइड में सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है प्रोफाइल वाला, इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे होगा आपको जो पहला ऑप्शन खुल के आएगा यूजर वेरीफिकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन डालना है अपना। तो यहाँ पे अपने का आपका वो अपना पेन नंबर, सबसे पहले आपको पेन नंबर, पेन कार्ड पर जो नाम होगा वो, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद ईमेल आईडी। तो हम यहाँ पे जो अपने डिटेल डाले थे उसके बाद आगे के प्रोसेस बताते हैं आपको। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने जो यहाँ पे जो भी डिटेल था वो यहाँ पे हमने मतलब फिलअप कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको जो वेरीफाई वाला बटन दिखाई दे रहा होगा, तो डिटेल फिल करने के बाद सिंपली आपको वेरीफाई वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जैसे यहाँ वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करेगा तो गाइस यहाँ पे जो आपको कन्फर्म करने के लिए बोलेगा तो सिंपली आप यहाँ जो कन्फर्म कर लीजिएगा। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे जो है आपके जो है ईमेल आईडी पर जो भी आपने ईमेल आईडी दिया होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो हमारा यहाँ पे ओटीपी आ चुका है तो हम यहाँ पे अपना ओटीपी फिलअप कर लेते हैं। तो जो ओटीपी डालने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है, जो एडो आइकन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे सक्सेस हो गया। उसके बाद गाइस यहाँ पे बोलेगा पैन कार्ड वेरिफिकेशन, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही गाइस इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे जो है आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे कर देना है नेक्स्ट और कंटिन्यू। और उसके बाद गाइस यहाँ पे जो है कैमरा का परमिशन आपको अलाउ कर देना है, अलाउ कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो आपका आपका जो आपका कैमरा खुल जाएगा, इसमें बोलेगा फ्रंट साइड, आपको जो यहाँ पे अपने पैन कार्ड का जो यहाँ पे फ्रंट साइड अपलोड करना है। तो हम जो है यहाँ पे अपने पैन कार्ड का जो है यहाँ पे फ्रंट साइड अपलोड करते हैं। तो देख सकते हैं अभी जो हम अपना पैन कार्ड का यहाँ पे आपको फोटो खींच कर डाल देना है फ्रंट साइड का। तो अभी जो है हमारा चेकिंग क्वालिटी सबमिट कर दे रहे हैं हम पैन कार्ड का फोटो। उसके बाद गाइस यहाँ पे बोलेगा बैक साइड, यहाँ पे जो आपको जो अपने पैन कार्ड का जो है बैक साइड अपलोड करके डाल देना है, फोटो खींच के डाल देना है, यहाँ पे फोटो ही लगेगा रीटेक। तो यहाँ पे हमने जो है अपना पैन कार्ड का फोटो डाल दिया, उसके बाद सबमिट कर देना है। देन उसके बाद सबमिट वेरिफिकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आएगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा तो गाइस यहाँ पे जो आपको तीन ऑप्शन खुल के आएगा, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी। सिंपली आपको आधार कार्ड पर क्लिक करना है और आधार कार्ड पर क्लिक करके जो यहाँ पे जो अपने आधार कार्ड का फोटो खींच कर डाल देना है। तो आधार कार्ड के फ्रंट साइड और बैक साइड यहाँ पे जो आपको अपने फ़ोटो डाल देना है। तो हम जो है यहाँ पर अपने आधार कार्ड का फ़ोटो डाल दे रहे हैं, फ्रंट साइड का फ़ोटो हमने यहाँ पर खींच कर डाल दिया। उसके बाद हम बैक साइड का फ़ोटो डाल दे रहे हैं सबमिट। अब उसके बाद बैक साइड का फ़ोटो हम डाल दे रहे हैं यहाँ पर। तो सिंपली आपको बस यही करना है, आपको पेन का और आधार का फ्रंट और बैक साइड फ़ोटो खींच कर डाल देना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको एक सेल्फी लेने के लिए बोलेगा, तो सिंपली आपको जो एक सेल्फी ले लेना है अपना, जो भी आप लेना चाहें। तो हम यहाँ पे जो अपना एक सेल्फी ले लेते हैं। तो देन गाइस एक बात और बता दूँ यहाँ पे कि आप उसी का सेल्फी लीजिएगा जिसका आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें, आप ही नहीं डॉक्यूमेंट किसी और का और फ़ोटो अपना खींच कर डाल, तो इसी में आपका जो है KYC रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अपना सेल्फी खींच के डाल देते हैं, उसके बाद आगे के प्रोसेस बताते हैं। तो दिन के हिसाब से हम देख सकते हैं हमने जो यहाँ पे अपना फोटो खींच कर अपलोड कर दिया। उसके बाद सिंपली आपको वेरिफिकेशन सबमिट वेरिफिकेशन का पर क्लिक कर देना है और देख सकते हैं हमारा पैन कार्ड का जो वेरिफिकेशन यहाँ पे जो हो गया है कम्प्लीट। और उसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी यहाँ पे 2 से 5 मिनट में कम्प्लीट हो जाएगा। सिंपली इसके बाद आपको क्या करना है, चल जाना है बैग। और बैग जाने के बाद गई इस यहाँ पे जो है देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा अभी देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा तीनों वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, बेसिक, पेन और आइडेंटिटी। उसके बाद सिंपली आपको चले जाना है बैक।
और बैंक जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे करने क्या होगा, बैंक डिटेल पर क्लिक कराऊंगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा, जो भी आप जो है जिसका भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट किए होंगे उसी का भी यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डालिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल लेते हैं, उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस बताते हैं। यानी कि सिंपली आपको यहाँ पे करने का बैंक अकाउंट डालने के बाद सिंपल आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका जो है बैंक डिटेल सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो अभी जो हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर दिए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक पिन मांगेगा, जो भी आप यहाँ पे पिन सेट करोगे सिंपली आपको यहाँ पे अपना पिन डाल देना है। उसके बाद जो है गाइस आपका जो है यहाँ पे बैंक डिटेल, आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, तो आपको यहाँ पे अपना ओटीपी भी डाल देना है बैंक डिटेल सेव करने के लिए। तो गाइस यहाँ पे जो हम वेट करते हैं हमारा ओटीपी आता है कि नहीं अभी, तो ओटीपी गाइस यहाँ पे हमारा आ चुका है, तो सिंपली हम यहाँ पे अपना ओटीपी डाल लेते हैं। और ओटीपी हम यहाँ पे अपना डाल दिए, ओटीपी डालने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है गाइस आपका जो है बैंक, यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है ऊपर लिख देगा कि आपका बैंक वेरिफिकेशन कम्प्लीट, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको चले जाना है बैंक, और बैंक जाने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे वेरीफाई वगैरह हो गया, ठीक है। तो अब बात आ जाता है कि आप जो है इसमें अब रेफ़र कैसे करिएगा, ठीक है। तो रेफ़र करने के लिए सिंपली आपको उसी इस रिवार्ड वाला आइकन पर क्लिक कर देना है, और रिवार्ड वाले जैसे बीच वाला जो आपको रिवार्ड वाला आइकन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। और हमको शायद एक रिवार्ड भी मिला है, तो हम इसको आगे ओपन करते हैं, उसके बाद आपको बताते रहते हैं। तो यहाँ पे जो है हमको रिवार्ड मिला है, अभी प्रोसेसिंग में दिखा रहा है 2 रुपया तेरी, तो चलिए 2 रुपया तो मिला। तो उसके बाद गाइस देख सकते हैं हमको यहाँ पे 2 रुपये का रिवार्ड मिला, चलिए बात करते हैं। उसके बाद चलिए जानते हैं कि आप इसमें रेफ़र कैसे कर सकते हैं। तो रेफ़र करने के लिए आपको देख सकते हैं यहाँ पे इनवाइट ऑन व्हाट्सएप, उसके बाद इनवाइट ऑन कॉन्टैक्ट। सिंपली आपको जो है इनवाइट करने के लिए आपको इनवाइट ऑन व्हाट्सएप पर क्लिक करके यहाँ पे जो है व्हाट्सएप पर क्लिक करेगा तो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट में होंगे उनको आप रेफ़र कर सकते हैं व्हाट्सएप में, ठीक है। नहीं तो इस शेयर वाला आइकन पर, इस शेयर वाला जो आइकन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करिएगा, तो यहाँ पे जो आप किसी भी माध्यम से जो है आप यहाँ पे कॉपी लिंक कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी माध्यम से यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आते हैं कि आपको एक रेफ़रल का इसमें कितना रुपये मिलेगा। तो आपको जो है अगर मान लीजिए किसी को भी आप रेफ़र करते हो और आपके रेफ़रल लिंक से जो है आप जो है वो जिसको भी आपने रेफ़र किया है वो अपने अकाउंट कम्प्लीट कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर जो भी डिटेल वगैरह फिल किया वो सब कुछ डिटेल फिल कर लेता है, तो वहाँ पे गाइस आपको 50 रुपये मिल जाएगा। और वो फर्स्ट कोई भी बिटकॉइन बाई करता है कितना रुपए का भी, तो वहाँ पे जो आपको 100 रुपये मिलेगा। मतलब यहाँ पे आपको टोटल मिल जाएगा 150 रुपया एक रेफरल पर, अकाउंट ओपनिंग का 50 रुपया, और क्रिप्टो करेंसी बाई करेगा तो वो आपको मिल जाएगा 100 रुपये, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 50 प्लस 100 हो गया, आपको 150 रुपया जो है आपको मिल जाएगा एक रेफरल पर। तो गाइस अगर आप जो है मेरे रेफरल लिंक से डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पर भी कुछ 50 रुपये तक या 100 रुपये तक आपको मिल जाएगा बिटकॉइन, अगर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करिएगा तो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसको गाइस अब बात कर लेते हैं कि आप जो है इसमें जो है अपना बिटकॉइन कैसे बाई करिएगा, ठीक है। तो बिटकॉइन बाई करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जो है यहाँ पर बिटकॉइन बाई करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं बिटकॉइन क्या, और कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाई करना चाहते हैं तो सिंपली आपको जो है यहाँ पे एक्सप्लोर, यहाँ पे जो लिख रहा है एक्सप्लोर इस पर आपको क्रिएट क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेगा एक्सप्लोर वाले ऑप्शन पर, देन गाइस जैसे आप एक्सप्लोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है गाइस आपको यहाँ पे कुछ सर्च बार खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप सर्च कर सकते हैं जिस भी क्रिप्टो करेंसी को जो है आप बाई करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम आपको केवल एग्जांपल के दिखा दें, यहाँ पे मान लीजिए हम बिटकॉइन पर क्लिक करते हैं, और जैसे हम बिटकॉइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है जैसे हम बाई वाले यहाँ पे कुछ आपको इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा, उसके बाद हम बाई करना चाहते हैं तो सिंपली बाई वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो है गो फॉर इट, उसके बाद गाइस यहाँ पे जो आपको अपना अमाउंट डाल देना है जितना भी अमाउंट का बाई करना है। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे आप यहाँ पे मिनिमम 100 रुपये तक यहाँ पे बाई कर सकते हो, उसके बाद अमाउंट डालकर इन्हें प्रीव्यू और बाई पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको बाई ऐसा कुछ करके आएगा, जैसे आप प्रीव्यू ऑर्डर पर क्लिक करें उसके बाद बाई वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इन्वेस्ट फंड हमको अभी वॉलेट में पैसा नहीं दिखा रहा है, तो अभी हमको वॉलेट में ऐड करना होगा पैसा, ठीक है। तो आप जो है इस टाइप से इसमें बाई कर सकते हैं, और मान लीजिए इसमें अगर आप जो है इसमें पैसा ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे देख सकते ऊपर एक ऑप्शन आ रहा होगा डिपॉजिट NRI का, तो आप इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे जो आप जो इसमें इसके वॉलेट में जो फंड ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 100 रुपये ऐड करना, तो 100 रुपये यहाँ पर अपना एंटर अमाउंट डालकर
यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर अमाउंट, इसमें डालकर उसके बाद डिपॉजिट वाले बटन पर क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे जो है आप जो है यूपीआई, मोबीक्विक, बैंक ट्रांसफ़र किसी भी थ्रू से जो है आप जो है यहाँ पे मनी डेबिट डिपॉजिट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे वो आपको अगर बिटकॉइन वगैरह बाई करना हो तो आप इसमें इस तरह से जो है आप मनी ऐड कर सकते हैं यूपीआई वगैरह से। तो देखिए सब, चलिए जान लेते हैं कि आप जो है इसमें जो है मनी को विड्रॉल कैसे कर सकते हैं, मतलब पैसा विड्रॉल कैसे लगा सकते हैं। तो सो गाइस, पैसा को विड्रॉल लगाने के लिए आपको यहाँ देख सकते हैं सेकेंड नंबर का ऑप्शन है होम के बगल में पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो पर आपको क्लिक कर देना है। पोर्टफोलियो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे जो है आपको कुछ इस टाइप के इंटरफेस खुल करेगा, जितने भी आपने बिटकॉइन वगैरह यहाँ पे बाई किए होंगे या जो भी कोई क्रिप्टो करेंसी बाई किए होंगे यहाँ पे शो करेगा आपको, ठीक है। उसके बाद गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल बैलेंस आपको दिखाई देगा, जो भी आपको विड्रॉबल बैलेंस होगा यहाँ पे दिखाई देगा टोटल बैलेंस के रूप में। सिंपली आपको विड्रॉल करने के लिए ये जो टोटल बैलेंस दिखा रहा है अभी मेरा 0-0 होगा, 0-0 है आपका जितना भी हो उस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं आपको एक विड्रॉल का बटन आ रहा है, जैसे ही विड्रॉल वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आप अपना अमाउंट डाल लीजिए, जो भी अमाउंट आपको विड्रॉल करना है मिनिमम 100 रुपये होना चाहिए। उसके बाद आपको विड्रॉल वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, और जैसे विड्रॉल वाले आइकन पर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है आपके जो भी बैंक अकाउंट नंबर ऐड किए होंगे तो आप जो है उस बैंक अकाउंट में जो है अपने पैसा को ऑटोमेटिकली 15 मिनट के जो है बाद आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ 15 मिनट। तो आप जो है इस टाइप से जो इसमें जो है अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और आप इसमें रेफर एंड अर्न कर सकते हैं और उसके बाद इसमें बिटकॉइन वगैरह बाई कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो इतने की आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।